पंचकुला में प्री बजट की बैठक के दूसरे दिन भी विधायकों से सुझाव लिए गए। खेल, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के विषय पर विधायकों की तरफ से अपने सुझाव रखे, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्री बजट की चर्चा के बारे में जानकारी दी है। हरियाणा सरकार की ओर से प्री बजट पर मंथन किया जा रहा है। 3 दिनों तक प्री बजट का ये मंथन चलेगा। इस मंथन में बजट से पहले सभी विधायकों से चर्चा भी की जा रही है। प्री बजट के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सभी विधायकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, अच्छे सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी सुझाव आ रहे हैं और सारे सुझावों को जितना भी संभव होगा उनको बजट में सम्मिलित करके और बजट पेश किया जाएगा। जितने अच्छे सुझाव हैं उन सबको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी व्यक्ति की या किसी विधायक की, सांसद की प्राथमिकता किसी एक सेक्टर में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्कीम में हो सकती है, किसी की दूसरे स्कीम में हो सकती है, उसकी अपनी भूमिका होती है, उस पर भी विषय जुड़ा रहता है। प्री बजट पर मंथन के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे। इसके अलावा प्रदेश के विधायकों ने अपनी ओर से बजट पर सुझाव भी दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्री बजट को लेकर जानकारी दी और कहा कि विधायकों ने स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। विधायकों ने सुझाव दिए हेल्थ के प्रति, कैंसर की बीमारी, हार्ट के पेशेंट सबसे ज़्यादा, कैंसर हार्ट के सबसे ज़्यादा आज मरीज प्रदेश में, जहाँ पानी की या दूसरी लोगों ने विधायक ने समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पानी की टेस्टिंग होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, इस तरह से डॉक्टरों को दवा देना चाहिए, जिसे डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जाए और जिससे आम लोगों को लाभ मिले, इससे बजट को बढ़ावा दिया जाए। ये विधायकों ने इसको बढ़ाया जाए, कितना परसेंट इसको तो कितना है तो बात की बात है, पर इसको बढ़ाया जाएगा जब भी तो इसमें सुधार होगा। हरियाणा के बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। बजट की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि प्री बजट में विधायकों की ओर से दिए गए कौन कौन से सुझाव बजट में शामिल किए जाते हैं। हरियाणा के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बजट को लेकर तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। अब देखना ये होगा कि प्री बजट की बैठक में विधायकों, सांसदों व अलग अलग वर्गों से जो सुझाव लिए गए हैं उनमें से किसे बजट में जगह दी जाती है।